इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने ओप्पो A33 मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है विजिबल टू अदर डिवाइस का, तो ये सेटिंग क्या होता है, इसे डिसेबल करने से क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये सेटिंग मिलता है कहाँ पर। जब आप अपने ओप्पो A33 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, फिर आप यहाँ ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है, जैसे देखिए हम अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को देते हैं ऑन कर, फिर आप यहाँ टू डॉट पर क्लिक करेंगे तो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा विजिबल टू अदर डिवाइस का। तो ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में ऑन रहता है। तो ये सेटिंग ऑन रहता है तो क्या होता है कि अगर आपका ब्लूटूथ ऑन रहता है तो अगर आपके आसपास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस दोस्तों ऑन रहेगा तो उसके ब्लूटूथ में दोस्तों आपका ब्लूटूथ जो है शो कर जाएगा कि आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है, मतलब आपका ब्लूटूथ सर्च कर लेगा उस मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ। लेकिन जब आप इस सेटिंग को बंद कर देंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को देता हूँ बंद कर, तो इससे क्या होगा कि अगर आपका ब्लूटूथ ऑन भी रहेगा तो दोस्तों अगर आपके आसपास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है तो दोस्तों वो ब्लूटूथ डिवाइस जो है आपके ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च नहीं कर पाएगा, या दोस्तों उस ब्लूटूथ डिवाइस में आपका ब्लूटूथ डिवाइस शो नहीं करेगा। तो इस सेटिंग से ये होता है। तो अगर आप अपने ब्लूटूथ को हाइड करना चाहते हैं किसी दूसरे से तो आप इस सेटिंग को बंद रख सकते हैं, और अगर हाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को इनेबल ही रखेंगे तो आपका ब्लूटूथ सभी डिवाइस में शो करेगा। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं ओप्पो A33 में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।